प्रशासन ने पर्यटन के माध्यम से जिले में रोजगार बढ़ाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है, जिसे लेकर जिला कलेक्टर कर्मवीर भवन पहुंचे और यहां पर मुखातिब हुए मीडिया से अधिकारी। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में पर्यटकों के आने से रोजगार के संसाधनों में विकास करने में मदद मिलेगी और यहां पर पर्यटन भी इससे बढ़ेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ होटल, रेस्टोरेंट और ट्रेवलिंग जैसे कारोबार को एक मजबूती मिलेगी। इसी जिले में खजुराहो तक जो पर्यटन आते हैं उन्हें पन्ना तक आकर्षित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन का काम और उसके प्रचार प्रसार का काम भी किया जा रहा है। हाल ही में अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, चूंकि यहाँ पर बड़े लेवल पे फॉरेस्ट भी है और पन्ना टाइगर रिजर्व भी है, तो वहां देखने के लिए जो लोग आते हैं उसके एक्सपेंशन के लिए हमने प्रयासरत थे और अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ जो संयुक्त मीटिंग हुई उसमें ये आम सहमति बन गई है कि जो अकोला क्षेत्र है जो पन्ना के अंतर्गत आता है वहां पर डे सफारी के साथ साथ में नाइट सफारी के लिए भी उसको ओपन करेंगे, ताकि इस इलाके में नाइट सफारी का कोई और क्षेत्र नहीं है, ये पर्यटकों को आकर्षित करेगा। पन्ना जिले की अजयगढ़ तहसील में बने नए पोस्टमार्टम हाउस की बिल्डिंग खस्ताहाल हो गई है। आलम यह है कि गाड़ियों की लाइट जलाकर पोस्टमार्टम किया जाता है, जिससे कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो पोस्टमार्टम हाउस में बिजली तक की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में लाइट जो जलाई जाती है वाहनों की जलाई जाती है और उसके जलाने के बाद वाहनों की लाइट में ही पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाती है, जिससे कि डॉक्टर्स को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। डिंडोरी जिले के समनापुर